श्री आनंद मोहन। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास मत के खिलाफ खड़ा हूं। नया सदस्य हूं, विधानसभा का अनुभव है, लेकिन लोकसभा का ये पहला अनुभव है जहां अटल जी जैसे लोग हों, जहां माननीय देवेगौड़ा साहब हों, जहां मुलायम सिंह यादव जी हों, जहां बड़े भाई शरद जी हों, जहां हमारे आदरणीय अभिभावक गुरुवर चंद्रशेखर जी हों, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष माननीय जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश जी हों, ऐसे बड़े लोगों के बीच ये पहला अवसर है जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। और मैं नए सदस्य होने के नाते माननीय वरिष्ठ सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो हमें प्रोत्साहन दें, क्योंकि हमारी ये सदियों पुरानी परंपरा रही है कि जब भी कोई बड़ी सलाह ली जाती है तो सबसे छोटे और नए सदस्यों को पहला अवसर मिलता है। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। सेकुलरिज्म सबसे ज्यादा आज की बहस के दौरान सांप्रदायिकता चर्चा का विषय है। बड़ी ऊंची ऊंची लंबी लंबी बातें की गई, लड़कपन से हर चुनाव में लाल हरी पीली झंडियां लेकर लोग इनकलाब की बातें करते हैं, क्रांति की बातें करते हैं, परिवर्तन की बातें करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बातें करते हैं। और ऐसे में मुझे नीरज की एक पंक्ति याद आती है, और यहां इनकलाब इनकलाब नहीं, पैसा है, सौदा है, इसकी दुकानें हैं, हाट बाजारें हैं, जिनमें वो कपड़ों के मोल भाव बिकता है, चांदी और सोने की इसकी तराजू में आदमी से लेकर ईश्वर तक तुलता है। और यहां दिल दिल के बीच दीवारें हैं, और यहां दिल दिल के बीच दीवारें हैं, जात पात रंग वर्ण देश काल बाली बड़ी ऊंची मीनारें हैं, इसको गिराना आसान नहीं, यहां लगे बड़े बड़े पहरे हैं, चौकी मठ मस्जिद और गिरजाघर के पंडित और पादरी शेख और मौलवी मजहब के जितने भी ठगे ठेकेदार हैं सबके सब इन्हीं के सहारे से ठहरे। इसे रंग जाने की सदा मौत पाना है, ईसा की भांति क्रॉस ऊपर चढ़ जाना है, गांधी की तरह गोली खाकर मर जाना है, मरण क्या तुझको स्वीकार है। मैं सदन से यह सवाल करूंगा, मरण क्या तुझको स्वीकार है, अर्थी उठाने खुद अपनी तैयार है। अब कुछ शिक्षा पढ़ो, अब तुमसे नहीं सीखना, तुमसे नहीं सीखना है भैया, एक मिनट बहुत हो गया, एक मिनट अब तुमसे हम पप्पू जी पूर्णिया के समझ लेंगे। शिष्टाचार शिष्टाचार मरण क्या तुझको स्वीकार है, अर्थी उठाने खुद अपनी तैयार है। अगर हाँ तो निश्चित तौर पर देश में परिवर्तन आएगा, क्रांति की लंबी चौड़ी बातें, निश्चित तौर पर क्रांति की गंगा आसमान से उतरेगी। और जो दलित की बात हो रही है, जो गरीबों की बात हो रही है, जो पद दलितों के उत्थान की बात हो रही है, जो सिर्फ विशेष अवसर की बात हो रहे हैं, सब सार्थक होंगे। लेकिन आज देखने को क्या मिल रहा है, वास्तविकता भिन्न है। कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ। आज क्रांति की बातें हो रही, हम पर इल्जाम लगता है, जॉर्ज फर्नांडिस पर इल्जाम लगता है, आदरणीय चंद्रशेखर जी पर इल्जाम लगते हैं, नीतीश भाई पर इल्जाम लगते हैं, संपूर्ण समता पार्टी पर इल्जाम लगा कि हम कम नल ताकत के गोद में बैठ गए। मैं पूछना चाहता हूं क्रांतिकारी मित्रों से, 67 में गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जब लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, तब जनसंघ के साथ आपने किस मुंह से 9-9 प्रांतों में सरकार चलाई। मैं पूछना चाहूंगा उन मित्रों से जो हिंदुस्तान के विभाजन के जिम्मेवार हैं, उनके साथ केरल में किन की सरकार चली। मैं पूछना चाहूंगा सेकुलरिज्म की बात करने वाले उन लोगों से, लालथन हलवा
जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मित्र जिसने ईसाई स्टेट का नारा दिया वो किस पार्टी के थे। मैं पूछना चाहूंगा ऐसे लोगों से, मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय बीपी सिंह से, और नहीं है तो शरद जी से, बाकी हम जनता दल के मित्रों से पूछना चाहेंगे कि भाजपा के समर्थन से न केवल 67 में बल्कि 77 में और फिर 89 में आप जान लेते। आप तो कहते थे कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे, किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैथिली में कहावत है, मैं मिथिलांचल से आता हूं, नहीं खाब नहीं खाब खाब भटखारी, और नहीं सुतब सुतब गोरखारी। तो मित्र मैंने नहीं खाएंगे तो नहीं खाते खाते भी भर थाली खाएंगे, और नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे तो दही जगह मिली तो वैर के पास सो जाएंगे। तो मित्र ये हुआ, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सेकुलरिज्म की बातें नहीं होनी चाहिए, और सेकुलरिज्म की जो बातें करते कर रहे हैं उन लोगों को नैतिक अधिकार कम से कम नहीं है। हमारे जैसे छोटे लोगों ने विरोध किया था, तब ये तर्क दिया गया था कि बड़ा दुश्मन है कांग्रेस पार्टी, और इसको खत्म करने के लिए छोटे दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब नहीं है जिनके बंगले पर मैं और अखलाक अहमद गया था, यही रिक्वेस्ट करने के लिए छोटे लोग कैसा मत कीजिए, लेकिन हुआ, आज हमें कहा जा रहा है। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इस देश में सबों की हर मामले में वृद्धि हुई है, समस्या की वृद्धि हुई है, घोटालों की वृद्धि हुई है, जनसंख्या की वृद्धि हुई है, एक ही चीज का अकाल हुआ है, उसका नाम है नैतिकता, और नैतिकता का घोर अकाल हुआ है।